वहीं यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद का खुलासा हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमानती संगठन ने मुसलमानों से मोदी के खिलाफ वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट जिहाद की जमानत की अपील को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हताश और निराश विपक्ष वोट जिहाद की अपील कर रहा है, बीजेपी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने वाली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शह पर मुस्लिमों से वोट जिहाद की अपील की जा रही है। इस बीच जमात का वीडियो सामने आने के बाद फडणवीस के दावों को बल मिलता भी दिख रहा है। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे। कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं। बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पहले यूपी और अब महाराष्ट्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठनों ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में मोदी को हराने की अपील की। इसका खुलासा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया और चुनाव आयोग से इस पर एक्शन की मांग की।